जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के सभी चाहने वालों का एक बार फिर से स्वागत है बड़े मुकाबले में। भारत बनाम नीदरलैंड, आज 12 नवंबर है दोस्तों, और आज 12 नवंबर का मुकाबला भारत बनाम नीदरलैंड, और मौसम के मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे 5-5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लिया है बल्लेबाजी का निर्णय दोस्तों। गेंदबाजी करेंगे क्लासेन, सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। चलो मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है भारतीय टीम का सपोर्ट करने के लिए दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को। पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। हिटमैन रोहित शर्मा छक्के के साथ अपना खाता खोला है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं दोस्तों इस मुकाबले में, और आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारतीय टीम के सपोर्ट करने के लिए दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को और अंत तक देखें मुकाबला। मात्र 5-5 ओवर का रखा गया है यहाँ पर। 15 तारीख को भारत वर्सेज न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच है, उससे पहले आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड के साथ। चलिए दूसरी गेंद सामने हिटमैन रोहित शर्मा, सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। क्लासन की दूसरी गेंद का अच्छा शॉट खेला है, बैक टू बॉलर गैप में खेला, फील्डिंग लाजवाब है। नीदरलैंड की टीम की फील्डिंग लाजवाब है दोस्तों, मुकाबला जोरदार होने वाला है। नीदरलैंड के दर्शकों ने धावा किया है, आज भारतीय टीम को हराएंगे। अब देखना होगा क्या होगा इस मुकाबले में। चलिए दूसरी गेंद लेकर तैयार क्लासन, सामने हिटमैन रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद है, दो दो फील्डर नीचे मौजूद है। विकेट यहाँ पे मिल सकती है नीदरलैंड की टीम को, और 6 रन मिले यहाँ पे। हिटमैन रोहित शर्मा डाउन द ग्राउंड, एक हवाई फायर, 6 के हस्ताक्षर कर दिए कप्तान रोहित शर्मा ने। जबरदस्त शुरुआत भारतीय टीम की आज नीदरलैंड के खिलाफ। कल दोस्तों पाकिस्तान की टीम के मंसूबों पर पानी फिर चुका है, हार के साथ पाकिस्तान की टीम विदा हो चुकी होने वाली है चुकी भारतीय सरजमी से। अब मात्र 4 टीमें दावेदार हैं, भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद थे। 15 तारीख को भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, उससे पहले आज भारत वर्सेस नीदरलैंड बड़ा मैच है और सपोर्ट की जरूरत है भारतीय टीम को। चलिए दोस्तों 5-5 ओवर का सुपर फाइव मुकाबला, रोहित शर्मा सामने है। 4 गेंदें, 12 रन आ चुके हैं क्लास है। 5वीं गेंद, रोहित शर्मा हवाई फायर, एक और गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर यहां पे करते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने। भारत बनाम नीदरलैंड 12 नवंबर, आज का दिन काफी यादगार रहने वाला है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि दीपावली की सबकी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के अवसर पर 31 साल बाद भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में मुकाबला दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, और यहाँ पे दीपावली का बोनस छक्के के रूप में रोहित शर्मा बरसाते हुए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है दीपावली की शुभकामनाएं दोस्तों भारतीय टीम के लिए, लाइक कर दीजिए वीडियो। अच्छा शॉट खेला है, गैप में फील्डर मौजूद है, डॉट बॉल यहाँ पे आएगी एक, और एक ओवर में 18 रन आए हैं, और मात्र अब यहाँ से 24 गेंदें शेष हैं। देखना होगा बची हुई 24 गेंदों पर कितने रन भारतीय टीम खड़ी कर पाएगी। बची हुई 24 गेंदों पर कितने रन भारतीय टीम खड़ी कर पाएगी। मात्र 5-5 ओवर का मुकाबला, गिल है सामने, शुभमन गिल सामने हैं, और स्ट्राइक पर रहेंगे दोस्तों। गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे किंगमा, काफ़ी तेज गेंदबाज विवान किंगमा, सामने करेंगे शुभमन गिल। दूसरे ओवर की पहली गेंद, और भारतीय टीम को कम से कम 107-108 रन खड़े करने होंगे। चलिए पहली गेंद किंगमा की, पहली गेंद सीधा शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है, पन बाउंस सीमारेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार शुरुआत भारतीय टीम की। भारत बनाम नीदरलैंड वर्ल्ड कप 2023, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं इस मुकाबले में, और आज का ये रोमांचक मुकाबला आज ये दर्शाता है दोस्तों कि भारतीय टीम इस वक्त विश्व की सबसे महानतम टीम है। और हवाई फायर किया, नीचे फील्डर मौजूद है, जल्दी खेल बैठे यहाँ पे गिल, और गिल को किया है चलता 22 के स्कोर पर। नीदरलैंड को मिल चुकी पहली सफलता, खुशी का माहौल नीदरलैंड के दर्शकों में बहुत ही जल्दी, यहाँ पे विकेट मिल चुका है नीदरलैंड की टीम को। दबाव भारतीय टीम के ऊपर बनेगा, आएंगे अगले बल्लेबाज विराट कोहली। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है भारतीय टीम का सपोर्ट करने के लिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। आज दीपावली है, आज तो आप लोगों को सपोर्ट, पूरा सपोर्ट भारतीय टीम को मिलेगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको दिल का मुकाबला एकदम लाइव दिखाया जाएगा। चले किंगमा सामने, रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा नहीं रुकेंगे,
एक हवाई फायर फिर से कर दिया है, गेंद को भेज दिया दोस्तों डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से तीसरा छक्का आता हुआ, चौथा छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से। भारत बनाम नीदरलैंड बड़ा मुकाबला है आज। और दोस्तों मुकाबले के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा मुकाबला तो 15 नवंबर को होने वाला है, भारत पर से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। और न्यूजीलैंड के सामने एक बार फिर से भारतीय टीम, पिछले मुकाबले में जीत हासिल की थी लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम हारी थी। अच्छा शॉट है, डीप स्कोर लेग सीमा रेखा के बाहर। इस बार 6 रन मिलेंगे रोहित शर्मा हिटमैन, शानदार बल्लेबाजी 4 ने। और गेंद गई दोस्तों सीमा रेखा के बाहर, चौके के लिए रोहित शर्मा नहीं रुकेंगे। आज रौद्र रूप धारण कर लिया है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, रौद्र रूप धारण कर लिया है, ध्वस्त कर देंगे आज नीदरलैंड की टीम को। बड़ा ही रोमांचक मैच होने वाला है, दर्शकों ने दावा किया, नीदरलैंड के दर्शकों ने दावा किया कि आज भारतीय टीम को हराएंगे। फिलहाल देखना होगा रोहित शर्मा। अच्छा शॉट, टाइमिंग अच्छी थी, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है। एक और डॉट बॉल यहाँ पे आएगी, एक और डॉट बॉल। 1.5 ओवर में 32 पर एक भारतीय टीम, रोहित शर्मा 28 के स्कोर पर खेल रहे हैं। किंगमा की गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और हवाई फायर, गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर रोहित शर्मा ने कर दिए यहाँ पे, शानदार बल्लेबाजी। 38 पर एक भारतीय टीम 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात, 38 पर एक भारतीय टीम 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और आज का मुकाबला एम ए चिदम्बरम स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाएगा दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे आ चुके हैं, सेनेटर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे विराट कोहली, पहली गेंद पर टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन संपर्क काफ़ी अच्छा है, छक्के के साथ खाता खोलेंगे विराट कोहली। आज विराट कोहली से उम्मीदें हैं दोस्तों कि शतक लगाएं, लेकिन मुकाबला बारिश के कारण मात्र 5-5 ओवर का खेला जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे शतक की अपेक्षा तो नहीं, अर्धशतक जरूर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल सकता है आज। 2.1 ओवर में 44 पर एक भारतीय टीम, विराट कोहली सामने। दूसरी गेंद सेनेटर की, विराट कोहली और हवाई फायर फिर से कवर के ऊपर से, शानदार टाइमिंग है, दर्शक दीर्घा में। गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर विराट कोहली के बल्ले से आते हुए, दर्शनीय अद्वितीय विश्वसनीय मुकाबला। और दर्शकों से खच्चा खच भरा हुआ स्टेडियम, हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद हैं। और YouTube के माध्यम से आप सभी दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, सभी से निवेदन दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए विराट कोहली सामने और तीसरा हवाई फायर, लगातार तीसरा छक्का विराट कोहली रौद्र रूप धारण करके आज ग्राउंड पर आए हैं। मात्र 5-5 ओवर का मैच है इसलिए लंबे लंबे हिट, लंबे लंबे छक्के किंग कोहली के बल्ले से देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पे। शानदार शुरुआत भारतीय टीम की, भारत बनाम नीदरलैंड 12 नवंबर आज दीपावली के दिन दोस्तों मुकाबला है। और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, फटाके यहाँ पे फोड़ते हुए विराट कोहली छक्कों के साथ। 2.3 ओवर में 56 पर एक भारतीय टीम, फिर से अच्छा शॉट, अपर कट करना चाहते थे, इस बार डॉट बॉल आई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। और यहाँ पे एक और अच्छी गेंद, 3 लगातार छक्के खाने के बाद वापसी की है सेनेटर ने, सामने करेंगे किंग कोहली। 56 रन भारतीय टीम। योर्कर गेंद थी, सीधा शॉट है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन शॉट चॉइस आइडियल है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से दर्शक दीर्घा में जाएगी गेंद और फील्डर बनेंगे दर्शक, और दर्शक बनेंगे फील्डर। लाजवाब बल्लेबाजी है भारत बनाम नीदरलैंड, अंतिम मुकाबला दोस्तों आज, इसलिए आप लोगों से निवेदन है भारतीय टीम के सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्वप्रथम विक्रमजीत सिंह आज कप्तानी कर रहे हैं नीदरलैंड की तरफ से। विराट कोहली 5 गेंद 24 रन, अंतिम गेंद मात्र 12 गेंद शेष रह जाएंगे। अब अंतिम गेंद पर भी लाजवाब प्रहार, 5 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं विराट के बल्ले से। भारतीय टीम 68 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात, मात्र 12 गेंद शेष रह गए। मीकरे नायक गेंदबाजी कर लेंगे, पान मीकरे सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा, 34 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा। 34 के स्कोर पर पहली गेंद, हवाई फायर है, खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड, फिर से गेंद को यहाँ पे टाइम किया बहुत खूबसूरत तरीके से रोहित शर्मा ने। हिटमैन रोहित शर्मा आज भारतीय टीम इस मुकाबले को ख़त्म करके दोस्तों अंक की तालिका में नंबर 1 पर काबिज रहते हुए सेमीफाइनल में भिड़ेगी न्यूजीलैंड के साथ 15 तारीख को, आज से मात्र 3 दिन बाद।
15 तारीख को पहला सेमीफाइनल खेला जाना है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, सपोर्ट कीजिए भारतीय टीम का। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब के माध्यम से आप इस मैच को देख रहे हैं दोस्तों। सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब जरूर दिया। अच्छा शॉट, रोहित शर्मा बैक टू बैक, दूसरा प्रहार है, डाउन द ग्राउंड हवाई फायर है, काफी लंबा शॉट है, दर्शक दीर्घा में 6 रन मिलेंगे रोहित शर्मा को। 137 मीटर का लंबा छक्का। हिटमैन रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा आज जबरदस्त अंदाज में, मौसम के कारण मात्र 5-5 ओवर का यहां पे मैच खेला जा रहा है दोस्तों। क्रिकेट 19 शानदार गेम प्ले, और इस वक्त 44 पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा, 3.2 ओवर में 78 पर एक भारतीय टीम। रोहित शर्मा इस बार खराब शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है, यहां पे सफलता मिल सकती है नीदरलैंड की टीम को, लेकिन फील्डर पीछे रह गए और गेंद गई पनबाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हिटमैन रोहित शर्मा कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, और पहुंच चुके हैं 48 के स्कोर पर 3.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 82 पर एक भारतीय टीम। अंतिम गेंद है रोहित शर्मा के लिए, अर्धशतक यहां पे लगाएंगे। इस गेंद पर अच्छा शॉट है, फुल टॉस गेंद थी, संपर्क उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी गेंद गई दोस्तों सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और रोहित शर्मा मात्र 14 गेंदों पर 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक यहां पे पूरा कर दिया है। अच्छी शुरुआत भारतीय टीम की, अच्छी शुरुआत, लाजवाब शुरुआत, 86 रन 3.4 ओवर में, मात्र 8 गेंदें शेष रह चुकी हैं। अब देखना होगा अंतिम ओवर में विराट कोहली के संदाजा बल्लेबाजी करेंगे। अच्छा शॉट, फिर से एक और गेंद के लगे पर 6 के हस्ताक्षर, और कलाइयां काफी मजबूत हैं। भारतीय कप्तान, गर्व है भारतीय दर्शकों को, गर्व है हजारों भारतीय दर्शकों को कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर। आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों से मेरा बारंबार निवेदन दोस्तों, मात्र भारतीय टीम का सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना होगा भारतीय टीम का सपोर्ट करके। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीते दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अंतिम गेंद 92 पर एक भारतीय टीम, अंतिम गेंद सामने विराट कोहली, अंतिम गेंद सीधा शॉट के लिए, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदें शेष रह गई हैं, रोहित शर्मा शानदार अर्धशतक, 16 गेंदों पर 58 रन खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत मैदान, और यहां पे मैक्स डाउड आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने करेंगे विराट कोहली, 30 के स्कोर पर है, 6 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के लगाकर 30 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। पहली गेंद क्या बात है, अद्वितीय अविश्वसनीय संपर्क है, शानदार टाइमिंग, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, विराट के बल्ले से छक्का यहां पे आ चुका है विराट कोहली। एक बार फिर से लाजवाब फॉर्म में, एक बार फिर से विराट आज यहां पे लाजवाब फॉर्म में आए हैं, और शानदार बल्लेबाजी विराट के बल्ले से देखने को मिल रही है। आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों से निवेदन है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां से जीतना भारतीय टीम के लिए अति आवश्यक। विराट कोहली दूसरा प्रहार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, डाउन द ग्राउंड 6 रन यहां पे आते हुए विराट के बल्ले से खूबसूरत अंदाज में गेंद को डिलीवर कर दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। भारत बनाम नीदरलैंड बड़ा मैच है आज दोस्तों, अब देखना होगा क्या नीदरलैंड की टीम इस टारगेट को चेज कर पाएगी। 104 खड़े कर दिए 4.2, विराट कोहली 42 पर है, और विराट कोहली जरूर यहां पे अपना अर्धशतक पूरा कर देंगे। मैक्स डाउड आए, स्पिनर बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, क्या गलत निर्णय होगा नीदरलैंड के कप्तान का, क्योंकि विराट कोहली लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं, लगातार 3 छक्के विराट के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला यहां पे अब फंस चुका है, विराट कोहली पहुंच चुके हैं 48 के स्कोर पर, मात्र 2 रन दूर हैं दोस्तों अपने अर्धशतक से। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी, अद्वितीय विश्वसनीय प्रदर्शन, और 110 भारतीय टीम मात्र 2 रन दूर है विराट अपने अर्धशतक से, 110 पर एक 4.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात, और विराट कोहली छक्के के साथ यहां पे बल्ला लहरा दिया है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन का फील्डर, जब तक गेंद के नीचे जाएगा, गेंद जाएगी दोस्तों दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, 54 रन 10 गेंदों पर 9 छक्के विराट कोहली के बल्ले से, किसी भी प्रकार का कोई सिंगल नहीं आया इस पारी में, 2 गेंदें रह गई हैं, मात्र 2 गेंदें शेष हैं, अब सामने है विराट, 2 गेंदें हैं, और अच्छा शॉट है, गैप में खेला है, 4 रन मिलेंगे, शानदार कवर ड्राइव, खूबसूरत कवर ड्राइव, मौका मिला जहां चापर का गेंद को,
और गेंद को मात्र दिशा दे दी अपनी कलाइयों का प्रयोग करते हुए विराट कोहली ने। शानदार बल्लेबाजी, अंतिम गेंद रह गई शेष, उसके बाद आएगी दोस्तों नीदरलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए। विराट कोहली 58, रोहित शर्मा 58, दोनों के बीच में शानदार संपर्क, अच्छा शॉट है, फिर से लौंगा आपके दिशा में, एक और चार रन चौके के साथ ओवर की समाप्ति, और भारतीय टीम ने 124 रन खड़े कर दिए दोस्तों। टारगेट 125 का है नीदरलैंड के सामने। अब यहाँ पे देखना होगा क्या नीदरलैंड की टीम इस टारगेट को चेस कर पाएगी। बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया भारतीय टीम ने, विराट ने बनाए 62 और नीदरलैंड के सामने स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों। मात्र एक सेकंड में, यहाँ पे एक सेकंड में नीदरलैंड की टीम आ चुकी है टारगेट को चेस करने के लिए। और आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भारतीय टीम के सपोर्ट में लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए सर। प्रथम ये रही नीदरलैंड की टीम आप लोगों के सामने टारगेट को चेस करने के लिए। विक्रमजीत सिंह और मार्क्स डाउड आ चुके हैं टारगेट को चेस करने के लिए। मोहम्मद सिराज के हाथ में गेंद, मोहम्मद सिराज करेंगे गेंदबाजी। सामने है दोस्तों विक्रमजीत सिंह, 30 गेंदों पर 125 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। चलिए मोहम्मद सिराज पहली गेंद, विक्रमजीत सिंह खूबसूरत टाइमिंग है, फील्डर मौजूद पॉइंट पर रविंदर जडेजा, बहुत ही फुर्ती और चुस्त दुरुस्ती के साथ गेंद को फील्ड किया है। अच्छी शुरुआत मोहम्मद सिराज की तरफ से, राउंड द विकेट आएंगे अब विक्रमजीत सिंह के लिए। 29 गेंदों पर 125 रनों की आवश्यकता है। दूसरी गेंद पुल किया, पीछे फील्डर है, भागने साथ दिया सिंगल के साथ, स्ट्राइक रोटेट करेंगे यहाँ पे। और मैक्स डाउड आ चुके हैं स्ट्राइक पर, महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े फैन मैक्स डाउड, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे अंदाज में इनका हेयर स्टाइल है। देखना होगा आज क्या भारतीय टीम के ऊपर भारी पड़ पाएंगे मोहम्मद सिराज। पहली गेंद मैक्स डाउड पॉइंट के ऊपर से, शानदार टाइमिंग है, गेंद को डिलीवर कर दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। मैक्स डाउड लाजवाब बल्लेबाजी, नीदरलैंड के दर्शकों ने दोस्तों स्पष्ट रूप से दावा किया है, नीदरलैंड के दर्शकों ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि भारतीय टीम को आज यहाँ पे ध्वस्त कर देंगे, भारतीय टीम को अरमानों पर पानी फेर देंगे जीत के। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी नहीं, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम ने 125 का टारगेट दिया है। चलिए 3 गेंदें हो चुकी हैं मोहम्मद सिराज, चौथी गेंद फिर से अच्छा शॉट है मैक्स डाउड, लगातार दूसरा छक्का यहाँ पे, लगातार दूसरा छक्का, 13 रन पहली 3 गेंदों पर आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज कर रहे हैं गेंदबाजी, उतनी शानदार बल्लेबाजी चल रही है मैक्स डाउड के बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी। भारत बनाम नीदरलैंड आज दीपावली के दिन दोस्तों मुकाबला चल रहा है। सभी दर्शकों से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 26 गेंदों पर 112 रनों की आवश्यकता भी जीत के लिए। मैक्स डाउड सामने, मोहम्मद सिराज, आसराज की अच्छी गेंद एकदम ठिकाने पर, पाल बाल बच्चे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप से टक से छूते हुए गेंद निकल गई और भागने साथ दिया है पे मैक्स डाउड का। 25 गेंद 112 रन, सिराज फिर से तैयार अंतिम गेंद लेकर, अंतिम गेंद पर भी अच्छा शॉट, बैक टू बॉलर, यहाँ पे आसान सा कैच छोड़ दिया है मोहम्मद सिराज ने। कल के मुकाबले में दोस्तों कॉटेंट वर्ल्ड के 2 चांस छोड़े थे साहिंस आफरीदी ने, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, क्या आज भारतीय टीम को भी यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मोहम्मद शमी, राउंड द विकेट सामने विक्रमजीत सिंह, और विक्रमजीत सिंह शानदार टाइमिंग, डाउन द ग्राउंड हवाई फायर है, गेंद के लगे पर छे के हस्ताक्षर कर दिए यहाँ पे विक्रमजीत सिंह ने। लाजवाब फॉर्म में भारत बनाम नीदरलैंड के बीच इस मुकाबले में विक्रमजीत सिंह लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और भारतीय टीम के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकती है नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले में। आप लोगों से बारंबार निवेदन है, बारंबार गुजारिश है भारतीय टीम के सपोर्ट करने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए विक्रमजीत सिंह दूसरी गेंद, और यहाँ वहाँ पे फिर से खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट, टाइम किया गेंद को, लो फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे मोहम्मद शमी, विक्रमजीत सिंह ने गेंद को टाइम किया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6। अच्छी शुरुआत, तूफानी शुरुआत नीदरलैंड की टीम की, 1.2 ओवर में 25 रन बना दिए, 22 गेंदों पर 100 रनों की आवश्यकता है। और तीसरा प्रहार फिर से लाजवाब शॉट है, एक और डाउन द ग्राउंड, दर्शक दीर्घा में, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है मिड ऑफ का, उसका पूरा फायदा उठाते हुए, पावर प्ले का पूरा फायदा था। मात्र 5-5 ओवर का दोस्तों मुकाबला है भारत बनाम नीदरलैंड, और इस वक्त भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रनों का टारगेट दिया है 24 गेंदों पर, माफ कीजिए 30 गेंदों पर, 21 गेंदों पर अब 96 रनों की आवश्यकता है। विक्रमजीत सिंह सामने, मोहम्मद शमी, और फिर से लाजवाब प्रहार, लगातार तीसरा छक्का इस ओवर का, 3 छक्के 1 चौका आ चुका है ओवर में,
अभी भी दो गेंदें शेष हैं। यहाँ पे आज रौद्र रूप धारण कर लिया है नीदरलैंड की टीम ने, रौद्र रूप धारण कर लिया है यहाँ पे दोस्तों। 90 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदें हैं, 35 पर नीदरलैंड बना गए विकेट के निशान पर। विक्रमजीत सिंह और यहाँ पे मोहम्मद शमी के गेंद, क्लीन बॉल कर दिया, लीजिए स्टंप उखाड़ दिए दोनों स्टंप। मोहम्मद शमी ने विक्रमजीत सिंह के यहाँ पे उखाड़ दिए हैं, शॉट खेलना चाहते थे कहीं और, सफलता मिली मोहम्मद शमी को, क्लीन बोल्ड कर दिया विक्रमजीत सिंह को। अब आ चुके हैं बेन कूपर, एक और महान बल्लेबाज नीदरलैंड की तरफ से आ चुका है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए। बेन कूपर तूफानी बल्लेबाज, 19 गेंदों पर 90 रनों की आवश्यकता है। मोहम्मद शमी गेंदबाज, कूपर सामने और मोहम्मद शमी फिर से अच्छी गेंद है, एकदम अपील जोरदार है, एम्पायर के ऊपर क्या असर पड़ेगा यहाँ जी नहीं दोस्तों, रिव्यू देखना होगा क्या भारतीय कप्तान रिव्यू लेंगे, क्या कप्तान रोहित शर्मा रिव्यू लेंगे, नहीं दिया है रिव्यू। और गेंद जा रही थी ऑफ हमको छोड़ते हुए, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए, 18 गेंद 90 रन सामने। मैक्स डाउड, बुमराह पहली गेंद बुमराह की एकदम जड़ पे, एकदम स्टंप पे, और एम्पायर फिर से नकार दिया इस गेंद को, रिव्यू बार बार लेने का प्रयास करेंगे कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन फिर से यहाँ पे नहीं दिया रिव्यू। 17 गेंदें 90 रन नीदरलैंड की टीम को जीत के लिए यहाँ पे जरूरत। और बुमराह इस बार मेडल स्टंप उखाड़ दिया है, मैक्स डाउड का कोई मौका नहीं था, इस बार गेंद अंदर आ रही थी, मैक्स डाउड शॉट कहीं और खेलना चाहते थे और गेंद दोस्तों सीधी मिडिल स्टंप से टकराई, बुमराह को मिली सफलता। 35 पर 2 नीदरलैंड अब आ चुके हैं लीडे बल्लेबाजी करने के लिए, सामने करेंगे बुमराह की गेंदबाजी। 16 गेंदों पर 90 रनों की आवश्यकता। और इस बार टाइमिंग अच्छी है, अच्छी टाइमिंग है, डाउन द ग्राउंड गेंद जाएगी दोस्तों लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के चौका मिलेगा यहाँ पे। 15 गेंदें शेष रह चुकी हैं अब इस मुकाबले में, मात्र 15 गेंदें शेष रह चुकी हैं, 86 रनों की आवश्यकता है। बास डे लीडे सामने हैं, बुमराह कर रहे हैं गेंदबाजी, फिर से बुमराह की गेंद, हवाई फायर है, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे, फिर से लाजवाब बल्लेबाजी, दर्शन आदित्य विश्वास ने प्रहार, दर्शक दीर्घा में डिलीवर कर दिया गेंद को, 6 रन हो गए। सभी दर्शकों से मेरा बारंबार निवेदन, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, भारतीय टीम के सपोर्ट में आज दीपावली है दोस्तों और भारतीय टीम जीत के साथ दीपावली मनाना चाहती है, आज आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। 14 गेंदों पर 80 रनों की आवश्यकता है और फिर चाह वाई पार, यहाँ पे अभी भी मुकाबले में बनी हुई है नीदरलैंड की टीम। एक और छक्का यहाँ पे, एक और हवाई फायर कीपर के बल्ले से और बास डे लीडे के बल्ले, शानदार प्रहार, 6 रन यहाँ पे आ चुके हैं, मात्र 13 गेंदों पर 74 रनों की आवश्यकता है। और बुमराह की अंतिम गेंद पर हवा में फील्डर मौजूद, सफलता यहाँ पे मिल सकती थी, गेंद छूटा, 12 गेंदें शेष रह गई हैं इस मुकाबले। कुलदीप यादव के हाथ में गेंद है, 74 रनों की आवश्यकता नीदरलैंड की टीम को। यहाँ से देखना होगा जीत किस टीम की होगी। पहली गेंद और बैकपोर्ट पे गए, हवा में फील्डर मौजूद है नीचे, और ये सफलता मिल चुकी कुलदीप यादव को, पहली गेंद पर सफलता कुलदीप यादव के नाम, और बड़ा विकेट, लाजवाब गेंदबाजी। भारतीय टीम ने चारों खाने यहाँ पे चित कर दिए दोस्तों आज नीदरलैंड की टीम के। अब देखना होगा यहाँ से कहानी क्या घटेगी। वैन कूपर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब आ चुके हैं दोस्तों 24 बी से आ चुके हैं, 11 गेंदें 74 रनों की आवश्यकता है। कुलदीप यादव के हाथ में गेंद है, 3 विकेट गिर चुके हैं कुलदीप यादव, और संपर्क अच्छा है, फिर से नीचे फील्डर मौजूद है, लगातार दूसरी सफलता कुलदीप यादव को। 10 गेंदें 74 रन और कुलदीप यादव ने मैच को बदल दिया है, आते ही मैच में नई जान डाल दी कुलदीप यादव ने, अरमानों को ध्वस्त कर दिया है नीदरलैंड की टीम के। अब यहाँ से इस निर्णायक मुकाबले में देखना होगा क्या कहानी घटेगी। अंतिम जोड़ी आ चुकी है मैदान पर, पीटर सेल राय बल्लेबाजी करने के लिए साथ देंगे दोस्तों यहाँ पे वीसे का। चलिए कुलदीप यादव ऑन द हैट्रिक, कुलदीप यादव हैट्रिक पर हैं और हवाई फायर कर दिया है, फिर से नीचे फील्डर मौजूद, लगातार 3रा विकेट और वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक कुलदीप यादव के नाम मिल चुकी यहाँ पे। और भारतीय टीम ने दोस्तों 73 रनों से नीदरलैंड की टीम को आज
दीपावली के शुभ अवसर पर हार का सामना कराना करा दिया दोस्तों। यहाँ पर शानदार रहा मुकाबला, टॉस जीता भारतीय टीम ने, खड़ा किया था दोस्तों बड़ा स्कोर, और इस स्कोर को पीछा करते यहाँ पर नीदरलैंड की टीम 73 रनों से हार गई है। 73 रनों से नीदरलैंड की हार हो चुकी है दोस्तों। और मुकाबले के बारे में बात की जाए, टारगेट के बारे में आप लोगों को बता दें जल्दी जल्दी से, विराट कोहली ने 62 रन बनाए थे 12 गेंदों पर, 58 बनाए थे रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर, और नीदरलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए दोस्तों 23 रन बनाए हैं विक्रमजीत सिंह ने। 3 सफलताएं मिली कुलदीप यादव को, विराट कोहली रहे मैन ऑफ द मैच दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजेदार स्पोर्ट को, सर्वप्रथम आप लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन, छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए मुकाबले में, जब तक आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत।